इंडस्ट्री में हमेशा ही मलाइका अरोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते लाइमलाइट में रही हैं। जहां एक ओर मलाइका ने हर किसी को दीवाना कर दिया है अपनी खूबसूरती और अपने लाइफस्टाइल, साथ ही साथ अपने डांस के जरिए, तो वहीं मलाइका ने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी नाम भी कमाया है। लेकिन अगर बात की जाए मलाइका की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं। मलाइका ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मलाइका बहुत ही बुरे दौर से गुजरती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आज के समय में मलाइका अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि मलाइका ने जब तलाक लिया था अरबाज खान से, तब उस दौरान बेहद ही बुरे दौर से गुजरती हुई नजर आई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए थे, जहां एक ओर उन्होंने 19 साल पुरानी शादी को खत्म किया था और तलाक लेने के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। बॉलीवुड में मलाइका को छैया छैया गर्ल कहा जाता है, तो वहीं हमेशा ही अपने लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें मलाइका के बारे में, तो मलाइका ने अपने इंटरव्यू में खुद खुलासा किया कि आखिरकार वो किस तरीके से, किन हालातों से गुजरी थी। मलाइका और अरबाज ने 5 साल एक दूसरे को डेट किया था और साल 1998 में इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन साल 2016 में दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया और फाइनली साल 2017 में दोनों का तलाक भी हो चुका था। वहीं अगर बात की जाए मलाइका के बेटे के बारे में, तो मलाइका का एक बेटा है जिसका नाम है अरहान। लाइमलाइट में हमेशा ही बने रहते हैं अरहान। लेकिन अगर मलाइका के इंटरव्यू के बारे में कहा जाए, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि तलाक के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं और मैं इन बदलावों को पॉजिटिव रूप में ले रही हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव हैं और वो अपने गर्ल्स गैंग के बिना रह भी नहीं सकती हैं। मलाइका ने ये भी बताया कि उन्हें पार्टियां करने का बेहद ही शौक है और वो अपने फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकती हैं। तलाक के बाद ज़िंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन उन्हें पॉजिटिव लेना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अब पहले से ज़्यादा शांत हूँ तलाक के बाद। लाइफ के बारे में बस यही कह सकती हूँ कि मैं अब शांत और सुखी हूँ, लेकिन जब मेरी शादी टूटी थी तब उस दौरान मैं काफ़ी डिप्रेस भी हुई थी। और इस तरीके से मलाइका ने अपने उन हालातों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मन में कई तरह के ख्याल आते थे। किसी भी सामान्य इंसान की तरह मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती थी। मुझे लगता था कि अब आगे क्या होगा, जिंदगी कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैंने किसी बात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही। बस मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया और अच्छा समय आने का इंतजार किया। मेरा और अरबाज का रिश्ता एक खूबसूरत याद है और मैं अक्सर उनसे मिलती हूँ। वेल दोस्तों, देखा जाए तो मलाइका ने अपनी लाइफ में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखे, तो वहीं अपनी लाइफ को बेहद ही खूबसूरत ढंग से जीती हुई भी नजर आ रही हैं। तलाक के बाद मलाइका की जिंदगी काफ़ी बदल भी चुकी है और आज के समय में अर्जुन कपूर के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।